आप सभी को रेमो का नमस्कार। एपट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम मेंसुरेशन में लेसन 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्क्वायर्स और सर्कल के बारे में बात करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखेंगे स्क्वायर्स और सर्कल के केस में, साथ में स्क्वायर एंड सर्कल के केस में हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ भी देखेंगे जो आपकी बहुत मदद करेंगी। साथ ही हम आज ये समझेंगे कि स्क्वायर एंड सर्कल के स्पेशल अरेंजमेंट में लीफ फॉर्मेशन भी होता है, पत्ते का फॉर्मेशन होता है कहीं ना कहीं, तो वो फॉर्मेशन कैसे होता है और कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वर्ग और वृत्त को कंटिन्यू करेंगे, साथ में स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपके बहुत काम आने वाली हैं, जैसे मैंने सर्कल में बताया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में बताया, समबाहु त्रिभुज में बताया, वृत्त में बताया। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर एक अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो इन्हें शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको इस सीरीज़ का फ़ायदा मिले। अगर आपने मेंसुरेशन के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ आई आइकन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, तो आपको यहाँ बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, वरना शायद समझने में आपको तकलीफ हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की और समझते हैं क्या इंटरेस्टिंग आपके सामने आने वाला है। देखिए, मैंने आपके सामने एक स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है, स्क्वायर है, और एक सर्कल है जो लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल है विद इन स्क्वायर, जो सारे साइड्स को टच करता हुआ निकल रहा है। अब इसके इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है, थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता ही है कि आपको मालूम है कि किसी भी सर्कल की अगर हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड सर्कल के केस में हमारा रेडियस कितना होता है, 7। और जब हमारा रेडियस 7 होता है तो हमें सर्कल के बारे में बहुत कुछ आइडिया पहले से होता है। ठीक है, तो सर्कल के बारे में पहले क्या आइडिया है आपको कि इस केस में अगर आपने 7 माना तो आपको पता है कि इसका जो पेरीमीटर होगा वो 44 होगा और जो इसका एरिया होगा वो 154 होगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं सर्कल के एरिया और पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें और इस लाइन को आप ज्वाइन करके आगे बढ़ा दें ऐसे करके, तो आपको पता है कि ये 7 है, ये 7 है, तो डबल ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा इस स्क्वायर का, साइड हो जाएगा, यानी इस स्क्वायर का साइड कितना हो गया, 14। तो अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया लिखना चाहूँ तो एरिया कितना हो गया आपके सामने, 196। ठीक है, अब देखो काम की बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत मदद करेंगी आपकी। ये 196 हो गया और जो सर्कल का एरिया है वो कितना है आपके सामने, 154। अब जरा देखो, 196 में से अगर मैं 154 हटा देता हूँ क्या बचेगा, ये बचेगा सर, ये जो बाकी का जोन है ना, जो स्क्वायर में अगर हमने सर्कल को माइनस कर दिया ना, तो ये 4 जोन्स बचेंगे जो कि बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लाल रंग से बना दिया, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है आपको, 42 का डिफरेंस यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। अब अगर मैं एक जोन का आपसे एरिया पूछूँ कितना होगा, तो आप कहोगे कि ये तो बहुत आसान है लिखना, 42 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 42 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10.5 ईच। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये जो बाहर वाला एरिया है ना, ये कॉर्नर में जो स्क्वायर और सर्कल के बीच में आ रहा है, ये 10.5 ईच है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो ये भी आपके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसका ध्यान रखना, आपका जीवन अत्यंत ही सरल हो जाएगा, जो कि भी बहुत जटिल है। ठीक है, देखिए, अनडाउटली आपने इन क्वेश्चंस को किया होगा ए साइड मान के, वहाँ आप क्या करते हो, आप कहते हो कि ए स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर का एरिया माइनस, अगर ए आपने स्क्वायर की साइड मानी है तो आपकी ये वैल्यू क्या हो जाती है, ए बाई टू हो जाती है, और अगर ये वैल्यू ए बाई टू हो गई, यानी रेडियस ए बाई टू हो गया, तो आप कहते हो सर्कल का एरिया हो गया पाई ए स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है आपका, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा जो ये पोर्शन है जो सर्कल के बाहर है। ठीक है, अब अगर आप इसको फर्दर, अगर आप इसको फर्दर फोर से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाता है ये ए स्क्वायर बाई फोर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 16। ठीक है, तो देखने में ये बड़ा अच्छा लग रहा है, फार्मूला लग रहा है, पर आप ज़रा ध्यान से देखो कि एग्ज़ाम में क्या इन वैल्यूज़ को रखोगे आप। अक्सर मैं बता रहा हूँ आपको कि रेडियसेस 7 के मल्टीपल्स में मिलेंगे, जब सर्कल होता है तो एग्जामिनर अक्सर इनको 7 के मल्टीपल में रखता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में, 95% केसेस में जब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ का इस्तेमाल होगा तो बेहतर है कि हम नंबर्स के फॉर्म में बात करें। पहली बात तो पता है, नंबर्स के टर्म में हमारा जिस तरह का इवोल्यूशन हुआ है, आप खुद ही देखो कि नंबर्स आसानी से याद होते हैं, इसलिए बचपन में सबसे पहले आपको गिनतियाँ सिखाई गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, याद है ना, तो नंबर्स को हम आसानी से रिटेन कर सकते हैं, फार्मूला
कॉम्प्लेक्स बना देता है लाइफ को. तो एनीवेज यू कैन राइट इट इमीडिएटली, आपको लिखना तो क्या ही मुश्किल है. स्क्वायर एरिया माइनस सर्कल एरिया डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो किसी एक जोन का एरिया आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो देखिए ये एक चीज़ हो गई कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है मेरी वो कितनी आ रही है, 42, और 42 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 10.5 है. यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर वैल्यू को रखोगे 7 है ना, तो ये 49/4 हो जाएगा, 49/4 यहाँ आ जाएगा, और माइनस ये पाई इंटू 7² / 16 आप करोगे ना, तो कैलकुलेट करके आप देखो आपको फिर से ये 10.5 ही मिलने वाला है. ठीक है, अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिएगा, कि अगर मैं पूछूं कि इस स्क्वायर के एरिया का और इस सर्कल के एरिया का रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, साइड जो कि ए है, जो लेंथ कंपोनेंट है, आप खुद ही देखो कि अगर आपने एक स्क्वायर की साइड को ए मान लिया तो जो रेडियस का कंपोनेंट है वो भी ए पे ही डिपेंडेंट होगा. स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है या नहीं है, है, एक लेंथ कंपोनेंट पे इसका एरिया डिपेंडेंट होता है. ऐसे ही सर्कल भी एक सिमेट्रिक फिगर है, इसका एरिया भी इस लेंथ कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है, वो क्या है, रेडियस, वो भी ए पे डिपेंडेंट है. तो एक अटम नहीं आने वाला अगर आप एरिया का रेशियो निकालने वाले हो. ठीक है, आप खुद ही यहां से देख सकते हो कि ये वैल्यू जो बाहर का एरिया होगा वो तो बन जाएगा ए स्क्वायर. ठीक है, वो तो बन जाएगा ए स्क्वायर, और अंदर का जो एरिया होगा वो आपका बन रहा है कितना, पाई ए स्क्वायर बाई 4. तो जो एरिया रेशियो आ रहा है वो 4:5 आ रहा है. ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान में रखना है आपको. कई बार ये रेशियोज आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, पर आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप बहुत आसान है. मतलब मैंने तो करके आपको दिखाया 4:5. एक लॉजिक समझाता हूँ ना, जिससे आप ये कभी भूल भी नहीं पाओगे, चाह के भी नहीं भूल पाओगे. ठीक है, ये 4:5 होता है, ध्यान रखिएगा कि जब सर्कल की बात करें, देखिए ये सर्कल को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये स्क्वायर को करस्पॉन्ड कर रहा है. सर्कल यानी वृत्त को जब करस्पॉन्ड कर रहा है, आपको पता है वृत्त के एरिया में पाई का टर्म आता है, वृत्त के एरिया में पाई का टर्म आता है. तो वृत्त के एरिया में अगर पाई का टर्म आता है तो इसलिए यहाँ पर पाई हो गया. अब बताओ स्क्वायर अगर बाहर है, अगर ये स्क्वायर बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ अगर स्क्वायर है तो उसका एरिया डेफिनेटली ज़्यादा होगा. ठीक है, होगा कि नहीं होगा, लॉजिक इसी को बोलता हूँ मैं. बाहर होगा तो, बाहर होगा तो वो पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा. अगला वाला इंटीजर लिखा हुआ है, तो मैं ये आपको ध्यान रखने के तरीके भी बता रहा हूँ. ठीक है, कि ये 4:5 कैसे ध्यान रखेंगे, बहुत आसानी से आप ध्यान रख पाएंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा थोड़ा और समझते हैं इसको. तो ये वैल्यूज ध्यान रखिएगा, 7 अगर रेडियस हुआ इस सर्कल का तो इस स्टैंडर्ड फिगर में ये वैल्यू 10.5 ईच हो जाएगी. ठीक है, और ये टोटल वैल्यू आपको दिखाई दिया कि मैंने, ये 42 के बराबर है. चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं. देखिए इसी फिगर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, कि अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ, मतलब मैं एक डायमीटर यहाँ पर खींच रहा हूँ, ज़रा ध्यान समझिएगा. ये डायमीटर मैंने ऐसे खींचा, ये भी डायमीटर मैंने ऐसे ड्रॉ किया. ये ड्रॉ करने के बाद आप एक पोर्शन को देखना ध्यान से. इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ए, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ बी, लेट से इस पॉइंट को मैं बोलूँगा ओ, और ये पॉइंट हो गया आपका सी, लेट से. तो अगर आप देखोगे तो ए बी ओ सी भी एक स्क्वायर होगा, मतलब इसी सर्कल में ए बी ओ सी भी आपका एक स्क्वायर ही है. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ये डायग्राम मैं आपको अलग से बना के दे दूँ, ये डायग्राम मैं आपको अलग से बना के दे दूँ, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है ना, ऐसे करके दिखेगा. ये पोर्शन बाहर वाला पोर्शन होगा जो कि आपको पता है कितना होगा, तो आप बस देख लेना. ये अगर मैं इतना ही निकाल के दे दूँ तो ये एक स्क्वायर हुआ, रेडियस इसका 7 है क्योंकि इसके अराउंड ये खींचा गया है ये आर्क, क्वार्टर सर्कल. तो आपको देखो ध्यान से देखना है कि पूरे सर्कल का जो एरिया होता है, पूरे सर्कल का एरिया 154 होता है. हम क्वार्टर सर्कल की बात कर रहे हैं, 1/4 एरिया कितना होगा, 1/4. आधे सर्कल का एरिया कितना होता है, 77, हाफ ऑफ इट. उसका भी फर्दर आपको हाफ करना है तो ये वैल्यू आपकी हो गई 38.5, 38.5. ठीक है, 38.5 हो जाएगा 77 का आधा, और ये वैल्यू कितनी रहेगी, अभी भी 10.5. वेरीफाई भी कर सकते हो कि स्क्वायर का पूरा एरिया कितना है, 7² 49 इस वाले का, 38.5 यहाँ पर आ गया, 10.5 यहाँ आ गया, ये भी आपके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू है. ठीक है, ध्यान रखना. यही चीज़ मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाता, मान लिया नीचे इसमें दिखाऊँ, तो कोई फ़र्क है क्या, नहीं, मिरर इमेज है इसका इधर से इधर. तो यहाँ भी ये 38.5 है, ये 10.5 है ना. तो जब भी इस तरह से क्वार्टर सर्कल ड्रॉ किया जाएगा, जिसमें एक साइड को अगर आपने रेडियस मान के क्वार्टर सर्कल ऐसे ड्रॉ किया, 7 का रेडियस होगा तो ये 38.5 होगा, ये 10.5 होगा. अब आपको पता है, मैं ये रेडियस अगर 7 से बढ़ा के 14 कर दूँ क्या होगा, अगर रेडियस डबल हो जाएगा तो सारे एरिया कंपोनेंट 4 times हो जाएंगे. यानी यहाँ पर मैं लिखूँगा इसको फिर 154, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 42.
इसी डायग्राम की बात कर रहा हूँ, अगर मैं रेडियस को आपको 14 कर दूँ तो इसलिए आपकी बहुत मदद करेगा एग्जाम में, आप बिल्कुल मज़े से क्वेश्चंस करके आओगे। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू आप ध्यान रखना, इसके इस्तेमाल हम आगे बहुत सारी जगहों पे करेंगे। अभी बस ये मार्क कर लेना, ये है आपका रैमो मंत्र, ठीक है, पूरा जो भी ये वैल्यूज यहाँ लिख के मैंने दिखाई है ये बिल्कुल दिमाग में ध्यान होनी चाहिए कि क्वार्टर सर्किल में जो ये वाला पोर्शन है ये हो गया 38.5, जब रेडियस 7 है ये वैल्यू हो गई आपकी 10.5, ठीक है। चलिए कुछ एप्लीकेशन देखते हैं स्केल फैक्टर के, ये स्टैंडर्ड वैल्यू ध्यान रखना, ये आगे के लेसन में बहुत इस्तेमाल होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं। देखिए आपके सामने मैंने दो डायग्राम ड्रॉ किए हैं, मैं कहूँगा इसका रेडियस लेट से ए है, सॉरी इसका साइड ए है स्क्वायर का, और इसके अंदर एक मैक्सिमम पॉसिबल एरिया वाला एक सर्कल ड्रॉ कर दिया गया आपके पास, ठीक है। ये भी एक स्क्वायर है साइड ए का ही, पर इसके अंदर क्या किया गया है, फोर सिमिलर सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं, सिमिलर मतलब समरूप, ठीक है, जिनका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया हो सकता है चार को रखना है इस तरह से इस पोजीशन में कि आप देखो ये क्या कर रहा है, ये स्क्वायर को भी टच कर रहा है दो साइड से और साथ में दो सर्कल्स को भी टच कर रहा है, तो इस पोजीशन में ऐसे रख दिया गया। अब देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, वो सवाल मेरा ये है कि ये वाला जो एरिया मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये जो रेड जोन है ना मेरा, ध्यान से समझना, ये जो रेड जोन है ना इसका एरिया मुझे निकालना है, और ये जो मैं एक ग्रीन जोन बना रहा हूँ आपके सामने है ना, देखना ध्यान से, ग्रीन जोन का मतलब क्या हो गया कि एरिया जो कि जो भी बाउंड हो रहा है ना ये सर्कल के अलावा जो भी उसके बाहर का एरिया है वो मेरा पूरा ग्रीन जोन है, ठीक है, ऐसे करके। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि मुझे ये रेड जोन का टोटल एरिया और ये ग्रीन जोन का टोटल एरिया का रेशियो चाहिए, ठीक है, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव आप समझ रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो जितना भी ये रेड जोन यहाँ पर दिख रहा है और जितना भी यहाँ ग्रीन जोन दिख रहा है शेडेड रीजन, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आपको समझाता हूँ दो तरीके से। पहला तरीका, सीधे देखेंगे और कहेंगे कि दोनों बराबर हैं, है ना, सीधे देखेंगे और हम कहेंगे कि देखो जितना भी ये टोटल रेड जोन का एरिया है ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेड से, और मैं टोटल जो ग्रीन जोन का एरिया है मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे ग्रीन से, है ना, टोटल एरिया को, और मैं ये कहने जा रहा हूँ कि ये दोनों आपस में ना बिल्कुल बराबर हैं। आप कहोगे कैसे, अब जरा ध्यान से समझना यहाँ पर कि अगर आप इस सर्कल को ध्यान से देखो, देखो स्क्वायर की डायमेंशन वही है, ठीक है, और जो सर्कल्स का रेडियस है चाहे यहाँ पर देखो आप या यहाँ पर देखो वो डिपेंडेंट है किस पे, इसी लेंथ कंपोनेंट पे, स्क्वायर का एरिया भी डिपेंडेंट है इसी लेंथ कंपोनेंट पे, ए पे। तो आप जरा ध्यान से देखो कि यहाँ से यहाँ जाने में चेंज क्या आया, स्क्वायर तो वही है जो था, स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं आया, उसका डायमेंशन ए और ए ही रहेगा, लेकिन आप जरा सर्कल को ध्यान से देखना, यहाँ पर जो इसका रेडियस था, ठीक है, अगर मैं कहूँ ये रेडियस आर था, ध्यान से देखना, यहाँ पर इसका डायामीटर जो सर्कल का था पूरा, ये पूरा डायामीटर अगर मैं इसको बोलूँ, डायामीटर किसके बराबर था, यहाँ जो एक सर्कल का डायामीटर था वो साइड के बराबर था, पर यहाँ पर क्या हो रहा है आप ध्यान से देखो, दो सर्कल का डायामीटर साइड के बराबर हो रहा है। इसका मतलब मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ कि इस डायग्राम में जो रेडियस है, जो रेडियस है वो क्या हो गई, हाफ हो गई है कंपेयर टू द प्रीवियस डायग्राम। इस डायग्राम से इस डायग्राम तक जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है कि रेडियस त्रिज्या की वैल्यू आधी हो जा रही है, बस यही ऑब्जर्व करना है आपको। अब बताओ आप कि अगर त्रिज्या आधी हो गई तो अगर मैं इसका एरिया बोलता हूँ कि लेट से है 1, समझना थोड़ा, या इसका एरिया मैं बोलता हूँ 4, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ इस अंदर वाले जो सर्कल का एरिया 4 है, ठीक है, तो अंदर वाले सर्कल का एरिया अगर 4 है और आप कहोगे कि यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन में एक वृत्त, एक जो सर्कल है रेडियस अगर आधा हो गया, त्रिज्या अगर आधी हो गई, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो टोटल एरिया होगा इस सर्कल का, अगर यहाँ पर मैंने एरिया माना है 4, टोटल एरिया वृत्त का अगर एरिया 4 माना है तो यहाँ एक सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, 4 सर्कल आपको दिख रहे हैं तो मैं लिख रहा हूँ 1 1 1 1। अब देखो चारों सर्कल का एरिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो जो ग्रीन जोन है वो क्या है, जो ग्रीन जोन है वो क्या है, टोटल स्क्वायर का एरिया माइनस इन चारों सर्कल का एरिया, टोटल स्क्वायर के एरिया में अगर हम चारों सर्कल का एरिया घटा दें तो मुझे ग्रीन जोन मिलेगा, ठीक है, तो टोटल का स्क्वायर का एरिया कुछ भी हो यहाँ पर, आप कितना माइनस कर रहे हो, 4 माइनस कर रहे हो, यहाँ पर कितना माइनस कर रहे हो, यहाँ भी 4 माइनस कर रहे हो, तो ये रेड जोन ग्रीन जोन के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो देखने में तो नहीं लग रहा था लेकिन देखो रेड जोन ग्रीन जोन के बराबर है। ये एक तरीका था समझने का, एक तरीका था समझने का। दूसरा तरीका भी समझने का हो सकता है कि आप डायरेक्टली अपने स्केल जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उनका इस्तेमाल कर दो,
और एक मैं तीसरा तरीका भी बताऊंगा समझने का, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए एक तरीका ये भी हो सकता था कि आप कहते कि मैं तो साइड को लूंगा 7, अगर मैं साइड को 7 लेता हूं तो मुझे पता है इसका एरिया कितना होगा, 154 मालूम है। यहां पर आप कहोगे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो रेडियस है यहां पर आधी हो गई, रेडियस आधी हुई तो एरिया कितना हो गया, एक चौथाई हो गया। एक चौथाई एरिया का मतलब यहां पर तो एरिया 154 था, उसका एक चौथाई कितना है, 38.5। अब 38.5 कितनी बार आएगा, 4, मिला के कितना हो जाएगा, 154। ठीक है, अब देखो आपको समझना क्या है कि अगर आपके पास एक बड़ा सर्कल है ना जिसका रेडियस लेट से है आर, अब क्या होता है कि उसी एरिया के आप चार छोटे सर्कल्स बना सकते हो जिनका रेडियस कितना हो, R/2। मतलब अगर आपने रेडियस आधा किया तो ऐसे चार सर्कल्स लगेंगे जो इसके बराबर एरिया देंगे, बस इतनी अंडरस्टैंडिंग है। आधी रेडियस मतलब एक चौथाई एरिया, तो चार अगर मैं ले लूँ तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एरिया। ये तरीका है एक अंडरस्टैंड करने का उसी चीज़ को। अब देखिए एक तरीका मैं और बताता हूँ आपकी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतर हो चुकी है ना कि आपको मालूम भी नहीं है। ज़रा ध्यान से देखना कि मैं आपको समझाता हूँ कि जो मैं समरूपता की बात कर रहा था डायग्राम में, उसको एक उसका उदाहरण लेके हम कैसे इसको और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना, मैं ज़रा इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ कुल मिला के ऐसे, है ना, मतलब मैं ऐसे बीच में एक लाइन खींच दे रहा हूँ यहाँ भी और यहाँ भी। अगर मैंने ये लाइन खींच दी तो आप क्या करो ना, आप इसको एक पोर्शन को देखो, बस केवल एक पोर्शन को देखो आप ध्यान से, है ना, ये पोर्शन देखना आप। इसमें इसी तरह के कितने एलिमेंट हैं, चार एलिमेंट हैं दूसरे डायग्राम में। अब अगर मैं इस पोर्शन को जिसको मैंने अलग किया है, इस पोर्शन को मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूँ लेट्स से B1, ठीक है, और इस पोर्शन को मैं बोलता हूँ A1, मतलब जो हमें ओरिजिनली वैल्यू दी है वो क्या है, A1, और दूसरे केस में जो वैल्यू दी है जो मैंने एक एलिमेंट चूज़ किया है वो क्या है, B1। ठीक है, अब बताओ A1 और B1 सिमिलर हैं कि नहीं है, अरे बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर के लिए मैंने क्या समझाया था आपको, जूम इन जूम आउट करने पे एक बार फिट होने चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिट होना चाहिए। हो रहा है सर, ये स्क्वायर है और सर्कल उसके चारों साइड को टच कर रहा है, ये भी एक स्क्वायर है, सर्कल इसके चारों साइड्स को टच कर रहा है, सुपर इम्पोज हो जाएंगे, सिमिलर हुआ, समरूप हुआ। समरूपता में मैंने क्या बताया था कि लेंथ कंपोनेंट ही एरिया डिसाइड करता है। अब आप शेडेड रीजन का जो एरिया बात कर रहे हो वो दोनों में उसी सेम शेडेड रीजन की बात करो, B1 में भी आप वही एरिया की बात करो जो ग्रीन जोन है, और जो A1 में ग्रीन रेड जोन है एक ही है, एक ही जोन की बात करो ना आप। तो कोई भी एरिया कंपोनेंट लेंथ स्क्वायर से चेंज होता है, यानी अब देखो बहुत आसान सी स्टोरी है कि यहां पर जो स्क्वायर है अगर उसकी साइड आपने बोली A है तो क्लियरली इस B1 वाले स्क्वायर की साइड कितनी है, A/2 है। यानी जो रेड जोन का एरिया आप यहां देख रहे हो और जो ग्रीन जोन का एरिया यहां देख रहे हो, चूंकि लेंथ कंपोनेंट क्या हो गया, हाफ हो गया, एरिया कितना हो जाएगा, एक चौथाई। यानी इस ग्रीन जोन का जो एरिया है इस एक एलिमेंट B1 का, वो A1 के टोटल रेड जोन का एक चौथाई एरिया है। अब बताओ मुझे अगर इसको चार एलिमेंट ले लोगे तो वो एक चौथाई क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए कितने तरीके हैं विजुअली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बिना इसको सॉल्व किए हुए, तो ये अंडरस्टैंडिंग अपने साथ रखना बहुत काम आएगी। अब देखो अगर मैं आपको अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करूं तो आपको और मज़ा आएगा। मैंने आपको अभी क्या समझाया, मैंने आपको ये समझाया कि देखो ये वाला जो रेड जोन है ना, ये वाला जो रेड जोन है, इस वाले रेड जोन का जो एरिया है वो यहाँ सर्कल में भी जो ये खाली स्पेस है, किसके केस में, अगर मैं चार सर्कल लेता हूँ तो चारों सर्कल के केस में ये जो खाली स्पेस है ना, इसके एरिया के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके बराबर हुआ, आपको पता है क्या है, अगर आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आप इस एलिमेंट को आप देखो, ज़रा ध्यान से इस एलिमेंट को देखो, और मैं बोलूँ कि यार मुझे यहाँ वाला रेड जोन का एरिया चाहिए, मतलब जितना भी खाली स्पेस बच रहा है ना सर्कल को हटा के, उस सबको मैं कंबाइन करके ना उसका एरिया जानना चाहता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा आपको, ध्यान से देखना कि मैं सब ज़रा रंग बिरंगा कर दूँ पहले। अब देखो आप क्या कहोगे ना, आप कहोगे कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जो रेडियस है, देखो जहाँ पर एक सर्कल पहले पूरे में फिट हो रहा था, अब वहाँ पर आपने 1, 2, 3 फिट कर दिया, तो 3 अगर आपने इधर फिट कर दिया, 3 आपने इधर फिट कर दिया, रेडियस साफ साफ दिख रहा है ना मुझे कितना है, 1/3 हो गया। तो अगर मेरा रेडियस 1/3 हो गया तो 1 का एरिया कितना होगा, 1/9, इसके कंपेरिजन में सर्कल का जो एरिया होगा, एक सर्कल का एरिया होगा अगर रेडियस 1/3 होगी तो 1/9 होगा। और आपने ऐसे कितने सर्कल लिए हैं, 9 सर्कल्स लिए हैं, तो 9 × 1/9 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। यानी जो टोटल सर्कल का एरिया यहाँ पर है और जो टोटल सर्कल का एरिया यहाँ पर है वो क्या है, बराबर है। और अगर, और ये भी आपको पता ही है कि ये स्क्वायर्स की जो डायमेंशन है वो सेम है, स्क्वायर का डायमेंशन सेम है, तो
तो इसीलिए जो है एक सर्कल का एरिया यहां पर और नौ सर्कल का एरिया यहां पर बराबर है। तो आप यहां चाहे पूरे स्क्वायर में से नौ सर्कल माइनस कर रहे हो या फिर पूरे स्क्वायर में एक सर्कल माइनस कर रहे हो, बात तो एक ही है क्योंकि दोनों के एरियाज बराबर हैं। तो यहां जो ये रेड जोन मैंने दिखाया है, ये सारे रेड जोन के एरियाज बराबर आ रहे हैं, यहां टोटल रेड जोन, यहां टोटल रेड जोन, यहां टोटल रेड जोन। अब देखो यहां पर आपने क्या किया, चार इधर फिट किया, चार इधर फिट किया, तो आप कहोगे रेडियस एक चौथाई हो जाएगा। रेडियस अगर एक चौथाई हो गया तो एक का एरिया एक बटा सोलह हो गया। कितने एरियाज आपको दिख रहे हैं, यहां जितना भी एरिया होगा उसका एक बटा सोलह यहां हो जाएगा। आप कहोगे कि एक बटा सोलह हो गया और कितने स्क्वायर आपने ले लिया, सोलह, सोलह स्क्वायर, सोलह सर्कल्स हैं कि नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, गिन लो आप सोलह, सोलह इंटू एक बटा सोलह क्या हो जाएगा, वही एक आ गया। यानी यहां भी अगर आप रेड जोन को ऐसे ऐसे मार्क करो ना, टोटल रेड जोन की बात कर रहा हूं मैं, टोटल रेड जोन की बात कर रहा हूं, तो कितना आसान हो गया आपके लिए, है ना। ऐसे 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 करते जाओ करते जाओ, मज़ा आता जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी क्यों होती है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं और इस पर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, वो बाद में आपको मैं दिखाऊंगा। तो देखो ये सारे रेड जोन बराबर हैं। वैसे पता है आपको कि 5x5 ले लो, 25 ले लो इसी के अंदर तो भी बराबर रहेगा, 6x6 ले लो 36 तो भी बराबर रहेगा, क्योंकि जब रेडियस 1/6 हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एरिया 1/36 होगा। तो अगर आपने 36 टाइम्स लिया तो बराबर होगा, मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। अब देखिए इन फंडामेंटल्स को समझने का फायदा क्या होता है। देखिए एक क्वेश्चन था इस साल के सीजीएल मेंस में, पढ़ते हैं जरा सवाल, ठीक है। कई लोगों को समय लग गया इस सवाल को लगाने में, तो देखिए समय ही तो नहीं लगाना है, समय ही तो कम होता है एग्जाम में, तो जल्दी से आपको जजमेंट लेना होता है। ये कह रहा है एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉन इनसाइड स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर। कह रहा है ए जो है ना वह है लार्जेस्ट सर्कल का एरिया, सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में, ये ए है। बी क्या है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में चार समरूप वितरों के क्षेत्रफल का योग, समझ गए ना आप, वो अंदर के सर्कल्स का पूछ रहा है सम। सी क्या है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 9 समरूप वृत्तों के सबसे बड़े संभव के क्षेत्रफलों का योग। और डी भी क्या है, 16 समरूप वितरों। सब दिखा चुका हूँ आपको कि ये सारे एरियाज क्या हैं, बराबर हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर एरिया एक मानता हूँ एक सर्कल का, लेट से मानता हूँ ये 1 सेंटीमीटर दिया है, भूल जाओ इसको, आप मान लो सर्कल का एरिया एक है, उसी के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करना है ना हमें। तो यहाँ आपने क्या किया, चार डाल दिए, रेडियस आधा हो जाएगा आपको पता है, तो रेडियस आधा होगा और आपने चार लिया तो 4 × 1/4 कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है 1 ही होगा। ये आपका 9 × 1/9 हो गया और ये आपका 16 × 1/16 हो गया, राइट। तो आपके सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा टोटल एरिया में, ठीक है। तो इसके लिए रेडी रहो। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, मैं आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन दिखाता हूँ। ये देखिए इसको बोलते हैं लीफ, लीफ पत्ता या पत्ती, जो भी बोलना हिंदी में आप बोल सकते हो। तो देखिए लीफ फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पर आपका सेंटर है ना, ध्यान से समझना, यहाँ पर आपका सेंटर है और इस सेंटर को लेके आपने इसको त्रिज्या माना, अपना रेडियस माना, इस रेडियस को मान के एक ऐसे सर्कल खींचा, क्वार्टर सर्कल यहाँ मिलेगा, तो ये रेड वाला ऐसे हो गया। फिर आपने क्या करो, यहाँ सेंटर मान लो और इसी स्क्वायर की साइड को रेडियस लेके एक और क्वार्टर सर्कल खींच लो ऐसे करके, तो ये जो एरिया बनता है ना इसको बोलते हैं लीफ, ठीक है। अभी मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि लीफ का एरिया क्या होता है, वो एक्सप्रेशन मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में, मेरा बस पर्पज़ है कुछ कि मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, वो जरा ध्यान से देखना कि थोड़ी सी जब अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होती है ना तो फार्मूला 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 जो आप सोचते हो ना, हर बार फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती है, समझना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर लाल पत्ती है एक बड़ी सी और एक यहाँ पर ग्रीन पत्तियाँ हैं, मैंने सबको ग्रीन से कलर कर दिया है। मुझे ये जानना है आपसे कि जो एरिया रेशियो है टोटल रेड का टोटल ग्रीन से वो क्या है, ठीक है। अब आप जब सवाल देखते हो तो आपको लगता है कि यार मेरे को फार्मूला नहीं पता लीफ का, तो मैं कैसे सवाल लगाऊंगा। समझदारी दिखाओगे ना तो जो अंडरस्टैंडिंग मैंने अभी डेवलप कराई ना उसको इस्तेमाल करके ऐसे ही क्वेश्चन निकल जाएगा चुटकियों में, सब कुछ मालूम है आपको। आप जरा ध्यान से देखो, आप कोई एक एलिमेंट पकड़ो, मैं कह रहा हूँ ये वाला एलिमेंट पकड़ रहा हूँ मैं, है ना, मैं एक स्क्वायर पकड़ रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये वाला स्क्वायर मैंने पकड़ा, ठीक है, एक एलिमेंट। यहां पर मैं इसको कह रहा हूं ए वन और यहां पर इसको मैं फिर से बोल रहा हूं बी वन, इन दोनों को जरा ध्यान से देखना। और एक चीज और ध्यान से देखना कि जो बी वन है उसी का मिरर इमेज क्या है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बोलूं बी टू, ये क्या है, मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज करने पर लीफ का एरिया नहीं बदलेगा, वही रहेगा, मतलब ये सारे लीफ के एरियाज तो बराबर हैं। इसको मैं बोल सकता हूं बी थ्री,
इसको बोल सकता हूँ B4। सो जो एरियाज अगर मैं कहूँ खाली लीफ के एरिया की बात करूँ कि इस वाले लीफ का एरिया अगर मैं इसको बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लिया लीफ 1, लीफ 2, लीफ 3 एंड लीफ 4, ये लीफ के जो इंडिविजुअल एरियाज हैं यहाँ पर इस केस में आपस में बराबर है, तो मैं एक को एनालाइज करूँगा मुझे मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना कि ये और ये A1 और B1 समरूप हैं कि नहीं है। अगर आप केवल पूरी ज्योमेट्री पे फोकस करो, पूरे फिगर पे फोकस करो, सिमिलर हैं कि नहीं है, समरूप हैं कि नहीं है, अरे बिल्कुल समरूप हैं, है ना। कैसे बना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको सेंटर मान के यहाँ भी एक क्वार्टर सर्कल खींचा गया, यहाँ भी एक क्वार्टर सर्कल खींचा गया था, यहाँ इसको सेंटर मान के ये क्वार्टर सर्कल खींचा गया, यहाँ भी एक क्वार्टर सर्कल खींचा गया, समरूप हैं। समरूप हैं तो भैया अब बताओ आप, ये आपको मालूम चल रहा है कि नहीं कि अगर यहाँ साइड आपने मानी है ए स्क्वायर की, तो यहाँ साइड क्या है, ए बाई टू है, तो यहाँ साइड ए है तो यहाँ ए बाई टू है। अब बताओ हर एरिया कंपोनेंट कितना गुना हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैंने इस लीफ का एरिया मान लिया है एक, अगर मैंने इस लीफ का एरिया मान लिया है एक, या आप फोर मान लो, चलो ठीक है फोर मान लो, इस पूरे लीफ का एरिया फोर है, लीफ का एरिया, तो क्या होगा कि जब ये B1 A1 के बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल समरूप है, ठीक है, अगर ये बिल्कुल समरूप है तो आप जरा मुझे बताओ कि इस लीफ का एरिया जो है L1 जो आपके सामने मैंने बनाया है, तो इस लीफ का एरिया जो कितना होगा, अगर ये 4 है, यहाँ मुझे पता है कि जो डिपेंडेंट साइड है, जो सिमेट्री की बात करें, समरूपता की, स्केल फैक्टर की बात करेंगे, तो आधा हो गया इस B1 के लिए, आधा हो गया, तो एरिया कितना हो जाएगा, एक चौथाई, यानी इस लीफ का एरिया कितना है 1, तो सारी लीफ का एरिया कितना होगा 1 1 1 1, यानी टोटल लीफ एरिया कितना हो गया 4, यहाँ कितना था 4। अब देखो ये जो बड़ी पत्ती है उसका एरिया जो है वो 4 छोटी पत्तियों के एरिया के बराबर है अगर स्क्वायर की साइड सेम है। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा, है ना, विजुअली चीज़ों को देख पा रहे हो, वरना आपको तो लगता है कि भैया कोई नया फिगर दिखा तो उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, फार्मूला जब तक रटेंगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं, ज़रूरत नहीं है सर, अंडरस्टैंडिंग इसी को बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम में ऐसे सवाल बन सकता है, जैसे उन्होंने पिछले साल ये सर्कल दे दिया उठा के, ठीक है, सर्कल दे दिया कि सर्कल के अंदर 2 डाले फिर 4 डाले, ऐसे करके वो लीफ बना सकते हैं, ये एक था यहाँ 4 है, फिर इसी में वो 9 लीफ बना सकते हैं, 16 लीफ बना सकते हैं, समझ रहे हो आप, 16 लीफ बना सकते हैं, फिर आपके बढ़ा के 36 लीफ बना सकते हैं, 25 लीफ बना सकते हैं, लेकिन टोटल लीफ एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, रटना मत, समझ लेना, है ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, लेकिन आप लोग रटने के लिए उस्ताद हो, आप लीफ के एरिया का फॉर्मूला रट के बैठ जाते हो, एप्लीकेशन आएगा तो आएगा ही नहीं आपको, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको विजुअली चीज़ें दिखाऊं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, अभी मैंने लीफ में आपको सिर्फ ये बताया है कि लीफ इस की लीफ बनता कैसे है, और मैंने एक सवाल बिना आपको कोई एक्सप्रेशन बताए हुए सॉल्व करा दिया। अब आगे के क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा अगले लेसन में कि लीफ का एरिया कैसे लिखते हैं, वो भी मैं डिराइव करूंगा नहीं, मैं आपको कुछ स्मार्ट तरीका बताऊंगा, बहुत ही स्मार्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि जो फार्मूला होता है उसकी असलियत क्या है, है ना, कुछ अनोखा काम हम ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया होगा तो वीडियो लेसन को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोगों को शेयर करते हैं उतना हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो लेसन बनाने का, ठीक है, तो ज़रूर शेयर करें, धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।